नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल गार्डन डायरीज पर। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में हम कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम मैं आज आपको बताऊंगी जिन्हें अगर हम अपने गार्डन में लगा लें तो ये आपको सितंबर अक्टूबर तक बहुत ढेर फूल देंगे और वो भी बिना मेंटेनेंस के। तो इसमें इन प्लांट्स को लगाने में कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और वो हम अगर हमारे यहाँ अगर थोड़ी सी भी धूप आती है और उस जगह पर हम इसे लगा लें तो ये भर भर कर हमें फूल देंगे। तो उन्हीं में से कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है ये मैक्सिकन पिटूनिया। इसको लगाना बड़ा ही आसान है और इसमें देखिए आप कितने सुंदर सुंदर से ये फूल आते हैं। ये बिल्कुल बिना मेंटेनेंस का प्लांट है। अगर इसको हम एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल हमारे गार्डन में लगा भी रहता है और इसका देखभाल इतनी आसान है कि इसे बस पानी डाल दो और इसमें भर भर कर फूल आएंगे। तो ये देखिए, आपको जगह जगह पर ये कलियाँ दिख रही हैं, इसमें बहुत ढेरों फूल इसी तरीके से आते रहते हैं और इसको लगाना बड़ा आसान है। इसको अगर हम चाहें तो कहीं से हम इसकी एक कटिंग भी ले आएँ, उसको हम लगा दें तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ये ये जिनिया का पौधा। ये जिनिया का पौधा लगाना भी बड़ा आसान है। इसमें भी भर भर कर पूरी गर्मियों पर भर भर कर फूल आते हैं। तो ये देखिए, मेरे इन प्लांट्स पर सारे जगह कलियाँ बन रही हैं। तो इसको लगाना भी बड़ा ही आसान है। तो इसको हम लगा लें तो ये भी हमें पूरी गर्मियों पर भर भर के फूल देता रहेगा। तो ये इसको अगर हम मई में लगा लें तो ये सितंबर अक्टूबर तक इसमें ढेरों फूल आएंगे। तीसरे नंबर पर ये सदाबहार का पौधा। इस सदाबहार के पौधे को अगर हम लगा लें तो ये भी हमें पूरी सर्दी आने से पहले तक ये हमें फूल देता रहेगा और ये बहुत कम धूप में भी ये आसानी से चल जाता है और इसमें फूल भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं और इसकी भी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसका कोई रखरखाव नहीं करना होता ज़्यादा, इसको बस पानी दे दो और इसमें फूल आते ही रहते हैं। चौथे नंबर पर है ये मॉस रोज। अगर हम इसको लगा लें तो इसमें भी पूरी बारिश भर इसमें ढेरों फूल आएंगे। तो ये देखिए, इसमें भी ये बिल्कुल नए कलर का ये फूल खिला हुआ है। इसको भी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती और इसको भी हम आसानी से कटिंग से लगा लें तो ये आसानी से चलने लगता है। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी देखिए मेरे पास कितनी ढेर सारी मैंने मॉस रोज ये लगा रखी है। ये देखिए, पूरी मैंने मॉस रोज लगा रखी है। ये पूरी सितंबर तक बहुत ढेर सारे ये फूल देते रहेंगे और ये कई प्रकार के कलर्स में आता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में लगाना चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ये सनफ्लावर का पौधा। इसमें अभी फूल नहीं लगे हैं लेकिन अब इसमें ये देखिए आप कलियाँ बनने लगी हैं, आपको दिख रही हूँ। तो अब इसमें भी पूरी बारिश में और इसमें अब इसमें ढेरों फूल आते ही रहेंगे। तो ये भी बिना मेंटेनेंस का प्लांट है, इसको भी आप लगा दो तो इसमें भी ढेरों फूल आते ही रहते हैं और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती। तो इसको भी आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये ग्लाडिया का पौधा। अगर इसको भी हम लगा लें तो इससे भी हम ढेरों फूल ले सकते हैं और ये कई कलर्स में आता है। ये डबल वाले भी आते हैं, सिंगल वाले भी आते हैं, इसके रेड कलर्स भी आते हैं और ये मिक्स कलर्स में भी आता है। तो इसको भी लगाना बड़ा आसान है, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसको भी अगर हम कटिंग लगा लें तो इसकी भी हमारी कटिंग लग जाती है। अगर कहीं हमें इसकी कटिंग मिल जाए उसको ले आए तो उसको भी हम लगा लें तो ये भी हमें आसानी से बिना मेंटेनेंस के ये फूल देता रहेगा। उसके बाद है ये कॉस्मोस का प्लांट। इस कॉस्मोस के प्लांट को भी अगर हम लगा लें तो ये भी हमें बहुत आसानी से फूल देता रहता है और इसकी भी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसको भी हम आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी अगर हमें कहीं कटिंग मिल जाए इसको ले आए तो हम इसको लगा लें तो ये भी हमें भर भर के फूल देता रहता है। उसके बाद है ये कॉक्सकॉम का प्लांट। इस कॉक्सकॉम प्लांट को भी लगाना बड़ा आसान है और इसको भी कई कलर आते हैं और इन प्लांट को अगर हम लगा लें तो ये तो हमें साल भर ही
फूल देते रहते हैं, तो इसकी कटिंग भी लग जाती है। और सबसे अच्छा है कि हम इसे नर्सरी से ले आएँ और उसके बाद इसको लगा लें, तो ये भी हमें पूरा सर्दी आने से पहले तक ये फूल देता रहेगा। अगर हम इसकी केयर करते रहेंगे तो ये हमें पूरी साल भर ही फूल देता रहेगा। तो ये कुछ प्लांट्स के नाम थे जिन्हें मैंने आपको बताया। तो इनको अगर हम अपने गार्डन में लगा लें तो ये हमें पूरी सर्दी आने से पहले ये हमें फूल देते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।